गया के कोतवाली थाना क्षेत्र में जगह जगह चिपका एक इश्तेहार लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसमें एक गुमशुदा तोते को खोजने वाले को 5100 रुपए नगद इनाम देने की घोषणा की गई है। गया के गुप्ता परिवार की हैं। श्यामदेव प्रसाद गुप्ता और संगीता गुप्ता के घर में इन दिनों मातम का माहौल है, वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। 5 अप्रैल को इनका प्यारा तोता पोपो अचानक गायब हो गया, तब से पूरा परिवार परेशान है। संगीता गुप्ता तो अपने प्यारे तोते के बारे में बताते बताते रो ही पड़ती हैं। सबसे पहले उसको खाना देते थे, अभी तुरंत भी कुछ भी रहेगा लग रहा है उसको देना है। ऐसे पहले खाना रोटी बना के उसको हम देते हैं, आज भी देते हैं, है नहीं तो भी उसका पानी और खाना तुरंत रखेंगे पहले, तभी हम लोग खाना खाते हैं उसको। पूरे परिवार ने तोते को बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। अब तोते को ढूंढने वाले को 5100 रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया गया है। इसके लिए जगह जगह पूरे शहर में इश्तेहार भी चिपकाए गए हैं। 5 तारीख को बर्थडे था हमारे बच्चे का, 5 अप्रैल को, करीब 7:30 बज रहा था, उसी समय आवाज आया फड़फड़ा कर उड़ने का तोता का। हमने बेटा देखो क्या हुआ मिट्टू को, फटके या दरवाजा खोले, देखे हम लोग ऊपर भी छत पे चढ़ गए, इधर भी गए, तो बगल वाली बोली कि इधर से उड़ते हुए निकला है तोता। उसके बाद फिर रात को ही हम लोग निकले यहाँ, और पूरे मोहल्ला में करीब उस समय 10:30-11 बज रहा था रात को। रात को हर जगह आवाज़ लगा लगा कर खोजना चालू किया, पर कहीं समझ में नहीं आया। और करीब आगे मोड़ तक गए, तेलबीघा आगे मोड़ तक गए, फिर वापस लौटते रहे, लौटते हुए भी आवाज़ लगाते रहे, नहीं समझ में आया। 2-4 लोग जो मिला मोहल्ले का, पुलिस से ऐसा कीजिए भैया सुबह सुबह आप 4 बजे आ जाइए। सुबह सुबह 4 बजे भी उठे, और 4 बजे भी चारों तरफ पूरा गली हर घर घर के आसपास अगर होगा तो आवाज़ देगा, कहीं अगर छत ऊपर होगा तो, लेकिन कुछ पता नहीं। कब से? आज 1 महीना हो गया, 5 अप्रैल को हुआ। गुप्ता परिवार लोगों से ये भी अपील कर रहा है कि यदि कोई उनके प्यारे तोते पोपो को ले गया है तो उसे लौटा दे, इसके बदले उन्हें 2-3 तोते एक साथ खरीद कर दिए जाएंगे। तोते की तलाश के लिए अब सोशल मीडिया का भी सहारा ले जा रहा है। बहरहाल अब हर किसी को पोपो की वापसी का इंतजार है। गया से न्यूज़ बायोस्कोप के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।